जमीन को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पानी के ही जरिए से पैदा फरमाया। कैसे? पानी को और गाढ़ा किया गया, उससे भाप बना और भाप से फिर जमीन का वजूद हुआ। अच्छा, तो आपकी जो पढ़ाई वो मौलवियत की पढ़ाई है? हिफ्ज मुकम्मल हो चुका है, किरत भी और मौलवियत भी, फजीलत भी, अब आखिरी स्टेज बाकी है वो क्या जो मुफ्ती का होता है। मतलब कि मैं आपको मौलवी मान सकती हूँ? जी, अरे अब आगे मैं अभी जैसी पढ़ाई मुकम्मल होती है फिर मदरसे में पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है हजरत, मुझे एक चीज़ बताइए, मेरे बहुत से सवाल आते हैं। आप तो जो है वो इल्म वाले हैं, मदरसे में पढ़े, माशाल्लाह, अच्छी बात है। जी मेरे जी जहन में एक बात आती है कि अल्लाह ताला जब दुनिया में पहली बार उन्होंने दुनिया को बनाया था, तब तो पहले तो कुछ नहीं था सिवाय अल्लाह के। तो जब कुछ नहीं था, तब अल्लाह ताला ने सबसे पहले कौन सी चीज़ बनाई थी? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया को पैदा करने से पहले सरकार अली सलात वसलाम के नूर फरमाया। और उससे पहले? सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नूरे मुबारक से सरकार अली सलाम के नूरे मुबारक को बनाया, और फिर उस नूरे मुबारक के परतों और झलक से कुल कायनात को बनाया, आसमान, जमीन, चांद, सूरज, सितारे, गर्ज, हर चीज। और जो चीजें हैं, उन चीजों में सबसे पहले किस चीज को बनाया? सरकार अली सलाम के नूरे पाक को, वो मैं सुनी हूँ कलम को बनाया करके। कलम को तकदीरें लिखने के लिए पैदा फरमाया था। वो सबसे पहले बनाया था मेरे ख्याल से कलम को। नहीं, कलम को जो है तकदीरें लिखने के लिए पैदा फरमाया, इंसानों की और दुनिया में जो कुछ होने वाला और कयामत तक जो कुछ होगा उन सबको, उन सब की तकदीरें और उनके साथ क्या क्या होने वाला है और वो अपनी मर्जी से क्या क्या दुनिया में करने वाले हैं, उन सबको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कलम को लिखने का हुक्म दिया। अच्छा, अल्लाह ताला जो है वो जब कुछ नहीं बना था सातवें आसमान, तो अल्लाह का अर्श कहाँ पे था पानी पर, और पानी कहाँ पे था? पानी जमीन पर, और जमीन असल में पानी पर ही अल्लाह रब्बुल इज्जत का अर्श था और उस वक्त में जमीन का वजूद नहीं था। तो पानी किस पे रखा हुआ था? इसका जिक्र कुरान अजीम में नहीं है, हदीस पाक में नहीं है, इतना जिक्र मिलता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस चीज पर चाहा पानी को रखा। चूतिया बनाया तुमको। तो मतलब आपने कभी सोचा नहीं कि अल्लाह ताला ने पानी को किसने रखा होगा? मरना तेरे को डर नहीं लगता? कुरान अजीम की तालीम है हमें और सरकार अली इस्लाम का फरमान आली शान भी है कि इंसान को मजहब इस्लाम में रहकर उन बातों के बारे में सवाल करना चाहिए जो उसके काम की हैं। मतलब कि दीन के काम में अकल का दखल नहीं। जी हाँ, कुरान हमें कलिमा पढ़ाया गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जी अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, तो हमने कलिमा अक्ल का नहीं, अल्लाह अल्लाह और रसूल का पढ़ा है। अरे हाँ भाई हाँ। तो अल्लाह और रसूल ने ही हमें इस बारे में कुछ सवाल करने से मना किया है और ज्यादा इस सिलसिले में पढ़ने से मना किया है, तो अच्छा, हमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अफजल नाम ना आपका? अफजल? हाँ, हमें इतना इतना जानना जरूरी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के अच्छा, लिए क्या अफजल चीज जी, एक चीज, लाजिम है, एक क्या चीज अल्लाह रब्बुल बताएं इज्जत के बारे में अकीदे रखने चाहिए, जी, एक चीज है। सरकार के बारे में क्या अकीदे रखने चाहिए, किन बातों से आदमी मोमिन होता है, किन से काफिर हो जाता है और अच्छा, किन चीजों एक चीज को और आपसे करना पूछती जरूरी हूँ, है। एक चीज और आपसे पूछती जी हूँ। जैसे कि अल्लाह ताला ने तो इसको मुकम्मल तौर पे नहीं बताया, तो एक से सवाल ये भी है कि क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्ट है दुनियावी चीज़ों में, तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले ज़मीन कैसे बनाई थी? जमीन को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पानी के ही जरिए से पैदा फरमाया। क्या बोला तूने? जमीन को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पानी के ही जरिए से पैदा फरमाया, कैसे? पानी को और गाढ़ा किया गया, उससे भाप बना और भाप से फिर जमीन का वजूद हुआ। मार साले का, खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़ साले का। अच्छा, और ये कहाँ पे मिलता है इसका जिक्र? इसका जिक्र बड़ी बड़ी किताबों में मिलेगा, अहादीस करीमा, एक किताब आती है मखज़ने मालूमात, उसके अंदर बहुत सारी तफसीलात हैं, अव्वलियात का भी उसके अंदर जिक्र है, जमीन की पैदाइश कैसे हुई, आसमान की पैदाइश कैसे हुई,
तारों को कैसे पैदा किया अल्लाह ताला ने, इन सब का जिक्र है। तो अल्लाह ताला ने पानी को गाढ़ा किया, फिर उसके भाप से जमीन बनाई। जी, पहले पानी गाढ़ा हुआ, फिर वो उस तरह से भाप पैदा हुई, उसके बाद फिर उस भाप से फिर मिट्टी का वजूद हुआ। माशाल्लाह। तो फिर अल्लाह ताला ने उस मिट्टी को मतलब कैसे, पहले एक जगह रखी फिर उसको फैलाया था मेरे ख्याल से, जी हाँ, मतलब सबसे पहले किस जगह की मिट्टी बनाई थी अल्लाह ने, किस जगह की मतलब पृथ्वी में किस जगह को बनाया था। जहां पर काबे मुअज्जमा है, जहां पर मक्का शरीफ है। तो वहां की मिट्टी पहले रखी, जी, उसके बाद। वही दुनिया का मरकज है, बीचों बीच दुनिया में वही है, काबा शरीफ और मक्का शरीफ जो है वो बीचों बीच दुनिया में है। लेकिन मैंने तो सुना है कि जमीन गोल है, जी हाँ, गोल है। तो किसी गोल चीज का कोई केंद्र कैसे हो सकता है, बिंदु, केंद्र बिंदु गोल कैसे चीज का ही तो केंद्र होता है। आप है? किसी चीज को, आप बीच में किसी चीज के नुक्ता फर्ज करें जिसके चारों तरफ के कोने बराबर हों, तो वो बीच का ही गोला होगा, मतलब क्योंकि किसी कि चीज का बीच तभी फर्ज हो सकता है जबकि उसके चारों कोने बराबर हों। ये, अच्छा एक गेंद ले लीजिए, उस गेंद का आप कोई बिंदु ढूंढ सकते हैं जी हाँ, कैसे? किसी भी उसका एक मरकज ढूंढा जा सकता है और वो चारों तरफ से गोल नजर आएगी। अच्छा आपके पास कोई बॉल है अभी? नहीं है, बाल बाल बच गया रे देवा। अच्छा, तो ये तो मुझे समझने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, क्योंकि मेरे हिसाब से गेंद। देखिए, किसी जी भी चीज के बीच में आप एक मरकज, एक बिंदु फर्ज करें और उसके चारों तरफ रेखाएं खींचें, और वो रेखाएं छोटी बड़ी ना हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो गोल है। मतलब चपटी और गोल। और दुनिया के गोल होने की एक अलामत ये भी है कि दुनिया में आदमी जिधर से चलेगा और उसी की किसी एक सम्त को वो लो ले और लगातार उसी सम्त में चलता रहे तो लौटकर वहीं पर आ जाएगा। जैसे आप कहाँ रहती हैं? मैं अलीगढ़ से। अलीगढ़। अलीगढ़ से पूरब क्या पड़ता है? पूरब की तरफ, ईस्ट में। अब इतना तो मैंने मैप देखा नहीं, मुझे नहीं पता। चलिए, जो चीज भी पढ़ती हो आप लगातार अलीगढ़ से पूरब ही की तरफ चलती रहें, लौट कर आप वापस अलीगढ़ में ही आ जाएंगे। ये बात तो सही कहा आपने। और वजह क्या है? वजह यह है कि कोई गोल चीज की निशानी यही होती है कि जहां से चलता है लौट कर वहीं आ जाता है। तो अल्लाह ताला ने, अगर चीज चौकोर हो या मुरब्बा हो जी या वो तिहाई या दो तिहाई हो, तो वो वापस वहां पर नहीं आती, लौट कर वहां पर नहीं पहुंचती। माशाल्लाह, आपका इल्म तो तारीफ़े काबिल है। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत बात कही आपने। अच्छा हजरत, एक चीज़ बताइए कि अल्लाह ताला ने काबा की ज़मीन पहले बनाई, फिर उस ज़मीन को फैला दिया। जी, और उसके बाद क्या बनाया अल्लाह ताला ने ज़मीन के बाद? जमीन को, उसके बाद आसमानों को उठाया। और सूरज और चांद को कब बनाया था? सूरत और चांद चूंके आसमान से नीचे हैं, उनका वजूद बाद में हुआ है। तो जमीन के बाद सूरज और सूरज, चांद आसमानों में नहीं है, आसमान से नीचे हैं, सुन्नूर की जालियों में जी, अपने घेरों में चल रहे हैं। मतलब सूरज और चांद जो है वो पृथ्वी का, जो धरती है उसका चक्कर काटते हैं। जी, लेकिन हजरत, मैंने तो सुना है कि जो जमीन है वो सूरज के चक्कर काटती है। कुरान अजीम में फरमाया गया, वश शम्स व तजरी, सूरज चलता है, जी और चांद के बारे में फरमाया गया कि चांद भी हरकत करता है, और जी एक साफ साफ सूरह अंबिया में एक आयत है, कुल्लुन फी फलकी यसबहून, के ये जितनी भी चीजें हैं, सूरज चांद सितारे, ये सब के सब अपने घेरों में चक्कर करते हैं, तैरते हैं, चलते हैं। और जमीन के बारे में कहा गया, अलम नजअलिल अर्दा मिहादा, क्या हमने जमीन को सुकून पजीर नहीं बनाया, यानी हमने सुकून वाला बनाया है, जमीन साकिन है। और एक जगह कुरान अजीम में, इन अल्लाह युमसिकु समावाती वल अर्दा अन तज़ूला, अल्लाह ताला आसमान और जमीन को हरकत करने से रोकता है, तो ना अच्छा आसमान है ना जमीन हरकत करती है, दोनों साकिन है। अच्छा हजरत, पर हाँ, ये कि आपने कहा कि सूरज नहीं चलता, आज जमीन चक्कर करती है, तो ये बात कुरान अजीम के ही खिलाफ है। जी जी अब इसकी साफ साफ एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, ये बताइए कि ये जी जमीन है और ये जी आसमान है, जी सूरज है, ये सब पैदा किसने किया है? बेशक अल्लाह सुबहाना व तआला ने। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा किया है और उसी का कलाम, ये जिक्र उसके कलाम में ही जिक्र है कि ये चीजें साकिन है, चलती नहीं है, सूरज चांद सितारे चलते हैं, तो बात किसकी सही होगी, इंसानों की, खुदा अल्लाह रब्बुल इज्जत की? बेशक अल्लाह सुबहाना व तआला की बात सही होगी। तो फिर
तो फिर जाहिर सी बात है जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ही की बात सही है तो कुरान अजीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत का साफ फरमान जिक्र है कि जमीन व आसमान नहीं चलते, सूरज चांद सितारे चलते हैं। बेशक बेशक। लेकिन हजरत एक मौलवी हैं जाकिर नाइक नाम के, वो कहते हैं कि जमीन जो है वो सूरज के चक्कर काटती है। जाकिर नाइक जो है मोमिन नहीं है बेचारा। सही। इस्लाम मुसलमान नहीं है वो, उसके अंदर आप देखे उसका लिबास क्या है। वो मुसलमान कहलाता है अपने आप को, हालांकि इस्लामी लिबास क्या है? कुर्ता, पाजामा, तहबंद, जुब्बा, इमामा, टोपी। उसके सर पर टोपी लगी रहती है, लेकिन उसका आप उसका लिबास देखिए कि वो क्या पहनता है। पैंट कोट पहनता है जो अंग्रेजों का लिबास है। टाई बांधता है। एक बात। दूसरी बात, तो उसकी बातें कुफरी हैं। वो सरकार अलैहि सलाम की शान में खुली गुस्ताखी करता है। वो कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है। अरे जिनके जिनको माने बगैर इस्लाम में नहीं आ सकता, आदमी एंटर नहीं कर सकता, उन्हीं को मानना हराम है। ये तो गधा है। अगर नबी को मानना माशाल्लाह हराम है तो फिर इस्लाम में आया कैसे? नहीं नहीं, मैं तो ये बोल रही हूँ हजरत की जाकिर नाइक नंबर का गधा है। सही बोल रही ना? वो मुसलमान ही नहीं है। जी जी जी। जब वो मुसलमान नहीं है तो उसकी बात का कोई लेवल नहीं है। अब रहा ये बात कि ये जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है ये सूरज चक्कर करता है, तो ये सरासर गलत बात है। बताइए कि अगर जमीन चक्कर करती होती अभी अभी क्या तो बोले, कायनात की कोई चीज सलामत होती? अभी अब जो बोले वो सुना नहीं दिया, दोबारा बोलिए अब क्या बोल रहे थे स्कूल के बारे में। मैं ये कह रहा हूँ कि जमीन अगर चक्कर करती होती, सूरज नहीं हिलता और डुलता होता, तो क्या कायनात अपनी जगह पर सलामत रहती? नहीं। वो कैसे? लेकिन और कायनात अपनी जगह पर सलामत है, जमीन अपनी जमीन की कोई चीज हिलती डुलती नहीं है, जिसका नतीजा कि जमीन साकिन है। मैं जब चेयर में बैठ, मान लीजिए कोई कहता है थोड़ी सी हिलती है तो कुछ नहीं, तो चलिए थोड़ी थोड़ी ही हिलती होती, तो जो चीज थोड़ी थोड़ी हिलती है तो कुछ चीज हट जाती है। मान लीजिए जैसे कि ये मेरा हाथ है, ये एकदम तेजी से नहीं चल रहा है बल्कि आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रहा है। अगर आहिस्ता आहिस्ता भी हरकत करेगा एक जमाने में कहीं से कहीं तो पहुंच ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर जमीन चलती होती तो जमीन में मान लीजिए अलीगढ़ है, जहाँ अलीगढ़ 100 साल पहले था आज भी वही है, कुछ तो खिसक गया होता है 1-2 किलोमीटर। माशाल्लाह माशाल्लाह। मगर कुछ खिसा ही नहीं, नतीजा क्या है? जमीन अपनी जगह पर ही साकिन। सुनिए, जितनी खूबसूरत आपका चेहरा है ना माशाल्लाह, उतनी खूबसूरत आपका दिमाग है, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। हम तो आपके शागिर्द बनना चाहते हैं। अच्छा, बाकी और मैं आपको बता दूं कि जमीन का मामला या किसी भी चीज का मामला इंसान को साइंस से डिसाइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि साइंस। ये तो बात सही है। और कुरान अजीम जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम है, जो उसकी हक्कानियत है, उसका उसका अपना कलाम है। अच्छा, और उसके कलाम में जरा बराबर मैं यहाँ एक चीज कहना चाहूंगी कि क्योंकि आप जो हो वो एक मौलवी बन चुके हो और मुफ्ती की पढ़ाई कर रहे हो, तो इसमें किसी को भी कोई शक नहीं होना चाहिए कि आप जो कुछ भी कह रहे हो वो कुरान और हदीस की रोशनी में कह रहे हो। जी। बेशक आप इल्म वाले हो। तो हजरत उसके बाद मतलब कि ये तो साबित हुआ कि जमीन जो है वो रुकी हुई है और जो सूरज है वो घूमती है, तो ये तो हो गया। अब वो जिक्र आता है कि पहाड़ों का। जी, तो अल्लाह ताला ने पहाड़ गाड़ दिए, वो क्यों गाड़े थे? जमीन को पानी पर ही बिछाया था, पानी से ही अल्लाह ताला ने जमीन को बनाया था, मिट्टी को वजूद दिया था और मिट्टी को रखा था पानी पर ही। और जमीन को, अगर मिट्टी को हम पानी पर रखते हैं तो मिट्टी हिलती है, अपनी जगह पर कायम नहीं रहती। अगर मिट्टी की परत हल्की हो मतलब बारीक हो तो वो जमीन पानी में ही दाखिल हो जाएगी, लेकिन अगर मिट्टी की परत मोटी हो तो वो पानी पर बिछ जाती है। मगर बिछने के साथ साथ पानी जब हरकत करता है तो जमीन भी हरकत करती है। मिट्टी रब्बुल इज्जत ने जमीन को पानी पर तो बिछाया, लेकिन वो हरकत कर रही थी, जिस हरकत को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहाड़ों की मेखे ठोक करके रोक दिया। सुभान अल्लाह। अच्छा हजरत, मैंने एक बात और सुनी थी कि जमीन एक मछली के पीठ पे है, क्या ये सही हदीस है कि झूठी है? ये भी शक है, सही है। वो मछली फरिश्ता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जी जी मछली की शक्ल में उसको रखा है। अच्छा, लेकिन मैं एक बात और सुनी कि जो पहला दाखिल होगा जन्नतियों का जो वो होगा है ना, तो वो उसी मछली की वो खाने वाले हैं? उस मछली का नहीं, तो जन्नतियों को पहला जो खाना खिलाया जाएगा वो मछली का जिगर खिलाया। अच्छा, जाएगा। मुझे लगा उसी मछली का। वही वो मछली नहीं है। अच्छा? ठीक है।
पहाड़ों को अल्लाह ताला ने मेखे बनाया, कुरान अजीम में खुद जिक्र है, बल जिबाला उतादा, हमने पहाड़ों को मेखे यानी कीले बना दिया और जमीन को उससे रोक दिया। अच्छा, मतलब ठोक दिया ऐसे पहाड़ों को, जी बोझल कर दिया। और ये जमीन कभी कभी मतलब अर्थ के अर्थ को एक आता है, मतलब जलजला भूकंप जिसको कहते हैं हिंदी में, वो जब आता है तो उसकी वजह हदीस पाक में गिनाई गई है, बताई गई है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारी जमीन को घेरे हुए पहाड़ पैदा किया जिसका नाम है काफ। काफ जी, जिसकी तरफ इशारा भी है कुरान अजीम में, काफ बल कुरान मजीद 26वें पारे में। तो उस पहाड़ की जड़े जो है जमीन के हर हिस्से में है, और उस पहाड़ को चलाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक फरिश्ता रखा है। जिस इलाके में जिस ज्यादा गुनाह होने लगते हैं, गुनाह बहुत बढ़ने लगते हैं, तो अल्लाह ताला उस पहाड़ को हुक्म देता है कि तेरी फलानी जड़ जो फलाने इलाके में, उसको हिला दे। तो जब वो हिला देता है तब भूकंप आता है। अल्लाह अल्लाह, मुझे इसके बारे में तो इल्म ही नहीं था, आपने अच्छा किया मुझे इसके बारे में बता दिया, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। अल्लाह ताला ने पानी से ही पैदा किया है किसको, हवा, हवा जो चलती है ना हवा, जिसको भी अल्लाह ताला ने पानी से ही पैदा किया है। जी हजरत, अच्छा ये तो ठीक है, जमीन का भी पता चल गया। वैसे आपका नाम क्या है? यास्मीन हो गया। जो ये आसमान में जो ये तारे हैं है ना, तो ये तारे जो हैं वो सच में ऐसे मतलब कि छोटे छोटे हैं कि काफी बड़े हैं? ये बड़े हैं ये तारे, और ये आसमानों में नहीं है, आसमानों से नीचे। मैंने बताया अल्लाह ताला ने नूर की जालियां पैदा फरमाई हैं, उन जालियों में हर तारा अपने घेरे में चक्कर कर रहा है। अच्छा, और वो जो एक तारा टूट के शैतानों को मारता है, वो जो बात है वो? तारा कभी नहीं टूटता है, ये मैं आपको बता दूं। जी, तारा कभी नहीं टूटता है, शैतानों को मारा भी जाता है, मगर तारे से आग निकलती है, चिंगारी। अच्छा। तारा नहीं टूटता मगर तारे से चिंगारी निकलती है, उस चिंगारी के जरिए से जिन्नात जो सरकश हैं उनको मारा जाता है। अच्छा, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।